लोगों को स्लेट बत्ती और जूस में एक चीज चुननी हो तो तुम लोग क्या चुनोगे, स्लेट या जूस? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप देख रहे हो आपका खुद का ब्लॉग चैनल अक्षय रेड्डू ब्लॉग्स। तो भाई नई सुबह, नया दिन, नया ब्लॉग आप लोगों के सामने एक और मैंने स्टार्ट कर दिया है। 22 दिन हो चुके हैं, आज मेरा 23वां दिन है। बस अभी सुबह उठ चुका हूँ, 7:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ CRPF कैंप में। पापा ने मेरे को बोला था कि एक बारी ना कैंप में आ जाओ, कुछ काम है, तो बस अभी मैं वहीं के लिए निकल रहा हूँ। नॉर्मली तो मैं 8:15-8 बजे के आसपास उठता हूँ, लेकिन आज 7:15 बजे के आसपास उठ के मैं फटाफट तैयार होके, मतलब मुंह हाथ धो के फ्रेश व्रेश होके मैं तैयार हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं CRPF कैंप में। तो चलो भाई मैं चलता हूँ और ना वहां का दिखाता हूँ कैंप में ना, मतलब कैसा माहौल, इतना शांति होती है ना CRPF कैंप, मतलब जितने भी मिलिट्री के कैंप वगैरह होते हैं, BSF, CRPF, ITBP वगैरह के, इनके जितने भी कैंपस होते हैं वो इतने शांति, इतने साफ सुथरे होते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बस अब ना फटाफट ना चलते हैं। कैंप की तो मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि ना अंदर जाते ही पापा ने बोला कि हाँ जो काम था वो हो गया, जिसकी वजह से कैंप के अंदर की वीडियो जो भी थी वो मैं नहीं शूट कर पाया। और अब आ गया हूँ मैं नजफगढ़ में। यार यहाँ पे ना काफी जाम लगा हुआ है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, इतना जाम है यार जिसका कोई ठीक नहीं। पिछले 3 मिनट से यहीं पे खड़ा हूँ, ये ही होंडा सिटी मुझे दिखे जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो अब घर ही चलना भाई डायरेक्ट। भाई साहब ब्लॉग डल चुका है, 11 बज चुके हैं, कम्प्लीटली ब्लॉग डल गया और मैंने एक फार्म भरना था CTET का, मैंने वो फार्म भी भर दिया है। अब है सुनील मुन्ना को एक सरप्राइज देना है, आप लोगों ने ये सरप्राइज देख लिया, अब सुनील मुन्ना को दिखाता हूँ। ले भाई सलेट पेंसिल आ सुनील मुन्ना, खाएगा दिखाना, बीड़ी छोड़ी है भाई है? अरे सुनील मुन्ना अब इसको ट्राई करो, आप तो इसको सीक्रेट समझ रहे हो लेकिन ये सीक्रेट नहीं है भाई है? क्या ये? कि इसको कहते हैं स्लेट बत्ती। ट्राई कर चेक कर, बताओ माय गॉड, ये लड़का भी खाता है क्या स्लेट बत्ती है? कैसी लगी? अजीब सी है, तो अजीब लड़कियां कैसे खा लेती है, लड़कियां का पता नहीं, तू कैसे खा रहा है ये बता, तेरे को स्वाद लगी नहीं लगी? ये तो चबाई भी नहीं जा रही। दंत मंजन से दांत ब्रश करा करो, ऐसे थोड़ी होगा। खाओ, ये पूरी आपके लिए, आप मेरे से पार्टी मांग रहे थे ना, आप मेरे से पार्टी मांग रहे थे, ये आपकी पार्टी, आप ये खाओ। अजीब सा नहीं है, बड़ा स्वादिष्ट टेस्ट है भाई इसका, तो खा क्यों रहा है, बकवास है तो थूक दे ना। ओ तेरी के, अब ड्रामेबाज लड़का है, और सच में बेकार लगी तेने, तो ये हाथ में क्यों रख ली, इसको खाएगा क्या? फेंक रहा हूं इसको मैं। ना फेंक का मत, मेरे से दे दे, फेंकने की चीज तोड़ी है मेरे भाई ये। भाई साहब सुनील को ना जस्ट अभी मैंने स्लेट पेंसिल खिला दी और इसका ना टेस्ट कैसा होगा मुंह का, अभी मेरे से कह रहा जूस पिया, मगर जूस क्यों पिया? जो मैंने तेरे को सबसे बढ़िया चीज, इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज, इस दुनिया की सबसे बढ़िया चीज स्लेट बत्ती खिला दी और क्या खाएगा भाई लाइफ में, पार्टी यही है तेरे हिसाब से, ये ठीक है नहीं है? भाई मेरा पहले ही गला खराब था, इसने ये रोड़ी टाइप सा खिला के और गला खराब कर दिया। अच्छा जी, रोड़ी टाइप ही है, मेरे मुंह के अंदर निकला भी नहीं है। अभी तू क्या चाहता, तेरे को मैं जूस पिलाऊं है? लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ना पियाऊं जूस, कंजूर वाली बात नहीं यार, स्लेट बत्ती सबसे बेस्ट होते। तुम लोगों को स्लेट बत्ती और जूस में एक चीज चुननी हो तो तुम लोग क्या चुनोगे, स्लेट या जूस? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अक्षय भाई हम ना जूस चुनेंगे या स्लेट ही चुनेंगे। तो फिर जितने कमेंट ज्यादा होंगे ना, जेज का मतलब कमेंट ज्यादा होगा वो मैं आपको खिलाऊंगा, या तो एक डब्बा पूरा स्लेट बत्ती का, ना तो फिर 2 गिलास पूरे जूस के। ठीक है भाई, अब ये आप लोगों पे निर्भर है, हैं? लेट्स सी, हाँ देखते हैं। मैं खाया कड़िया नहीं, भूख लग रही के बनाया। अच्छा सोचा मेरे के अंदर रोटी। हाँ खाऊंगा, भूख लग रही के बनाया, चोड़ेंगे इसमें मिट्टी नमकीन, फिर इन मक्के में मटर मुटर तो घेर लेंदी, सूखे बना दिए
चलो ठीक है। छत पे घूम रहा था मैं लाइब्रेरी से, तो आ चुका हूँ लाइब्रेरी से। भाई साहब आज का ना काफी ही तगड़ा सीन हुआ, तुम लोगों ने देखा सुनील का ना मतलब रिएक्शन ही अलग था भाई उसको। मतलब ना कि उसको यूं होगा, उसने मतलब बचपन में कभी खाई हो यार? बचपन में तो नॉर्मली सबने खाई है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, रेयर ही लोग होते। जैसे कि मैंने ना खाई थी बचपन में, मैंने पहली बार ट्राई करी, मैंने इतनी बूंदी लागी यार जी का कोई मतलब कोई स्वाद दे कौन था यार। तो बस मैंने आज ना सुनील तक ट्राई करो, सुनील ने बचपन में ट्राई कर रखी थी, लेकिन आज जब उसको मैंने ना एकदम दिखाई ना, वो चौक गानों का बत्ती स्लेट बत्ती खाऊंगा क्या मैं? वो मेरे तेना पार्टी मांगा था कि भाई यार मेरे तेना पार्टी पुर्टी तो दे भाई तेरे, मतलब तू यूट्यूब तक कमाने लग गया, ये करने लग गया। मगर ले भाई तेरे को ना मैं बेस्ट चीज खिलाऊंगा। फिर मैंने उसको ना वीडियो में स्लेट दिखा दी, मगर ले भाई तू यो ट्राई कर, क्योंकि स्लेट की वजह से ही मेरा चैनल इतना ग्रो हुआ जहां तक तुम्हें पता, और थोड़े बहुत मेरे कॉन्फिडेंस। हाँ भाई मैं हाँ भाई है थोड़ा सा, तो मैं क्या करूं अब भाई, इसको कहाँ छुपाऊं कहाँ नहीं छुपाऊं, लेकिन है तो भाई दिखाना चाहिए, नहीं है तो लोग दिखाते ही नहीं है, अगर हो तो दिखाओ बस। तो अभी छत पे घूम रहा था, शाम हो चुकी है काफी, मम्मी गई हुई है खेत में, और मैं अकेला हमेशा की तरह जैसे डेली छत पर घूमू हूँ, आज भी मैं घूम ही रहा हूँ छत पर, रेस्ट कर ही रहा हूँ, घूम ही रहा हूँ। और सौरभ भाई का व्लॉग देखा था भाई साहब, पीयूष और वो लड़ाई होती भाई, ऐसी लड़ाई हर एक के घर में हो, हमारे घर में भी हो, मेरी बहन आओगी ना मैं उस गर्ल जरूर लड़ाई करूंगा भाई, क्योंकि घने दिन हो गए भाई मैंने उसके साथ लड़े हुए। अच्छा लगता है यार अगर तुम्हारी कोई बड़ी बहन हो और तुम उसके साथ फाइट करो, फिर वो चली जाओ, फिर यार तुम्हारी लड़ाई ना हो, तो अजीब सा होता है। बस अब थोड़ी देर ना मौसम की वाइब लेते हैं, छत पे यो खटोला है पीछे, इस पर लेट के आराम से थोड़ी देर ना चिल करते हैं बैठ के। तो बस अभी ऊपर छत पे बैठे हुए थे मैं, डोजर, अब डोजर भी चल रहा है, नीचे रात के बज चुके हैं 11, ऊपर ही टाइम बीत गया भाई मेरा तो, आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया भाई साहब। अभी बज चुके हैं रात के 11 और मैं को बस आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। मैं अभी छत पे ही था, अभी तुम लोगों ने देखा मतलब ना शाम को भी छत पे ही था, मेरा ना मोस्टली टाइम छत पे बीतता है क्योंकि अपना सुकून मिलता भाई वहां पे, आराम से खाट पे बैठे रहो, फोन यूज करते रहो, टाइम पास होता रहता है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, बस अभी 11 बज चुके हैं, सोने की तैयारी है, नींद काफी आ रही है आंखों में, क्योंकि मैं सोने का भी शौकीन बहुत हूँ भाई, मैंने नींद भी हद से ज्यादा आवा है। चलो भाई अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और ये वीडियो कहाँ तक जा रही है भाई, जहां तक जा रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई हम आपका वीडियो यहां से देख रहे हैं, तो भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, बाय।